अप्रैल को फरीदाबाद बार एसोसिएशन के जो चुनाव हुए थे, अब फिलहाल के लिए उस चुनाव के परिणाम पर रोक लगा दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चुनाव के चीफ रिटर्निंग ऑफिसर निर्दोष गुर्जर जी है। निर्दोष जी, जो 5 अप्रैल को चुनाव हुए थे उसमें ये कहा जा रहा है कि धांधलेबाजी हुई है और अब उस पर परिणाम पर रोक लग गया है, क्या धांधलेबाजी हुई थी उसमें? कुछ बोगस वोट बनाई गई, एक बोगस लिस्ट जो फेक लिस्ट है 147 जिसमें एडवोकेट्स के नाम दिए गए, मुझे नहीं पता कि वो एडवोकेट हैं या नहीं है। बाकी जो बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा से वोटर लिस्ट हमको मिली है उसमें वो नाम नहीं थे। चीफ रिटर्निंग ऑफिसर थे तो क्या आपने उस लिस्ट को लेकर कोई ऑब्जेक्शन उठाया जब आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम उसमें नाम थे कि नहीं? मैंने वो लिस्ट जारी ही नहीं की बूथों पर, मैंने वो लिस्ट जारी ही नहीं की, और जो लोग उनको लिस्टों को लेकर बैठे थे उनसे मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और जबरदस्ती की कि हम इस वोटर लिस्ट पर इलेक्शन कराएंगे। क्या वहाँ पे मौजूदा प्रशासन जो है, जो DC है या फिर पुलिस कमिश्नर है या जो पुलिस है, उसको आपने किस तरह की शिकायत की कि इस तरह की यहाँ पे बदतमीजी की जा रही है, जो वोटर लिस्ट है वो बदल दी गई है? वहाँ पर मौजूदा 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, मोहनलाल जी तहसीलदार फरीदाबाद और डॉक्टर नरेश कुमार DRO फरीदाबाद। मैंने दोनों को अपनी एप्लीकेशन दी, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि आप CRO हैं ही नहीं। तो अब जो रोक लगाई गई है किसके तरफ से लगाई गई है, क्या कोर्ट का कोई आदेश है या आपकी बार काउंसिल की तरफ से? बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा ने इस पर रोक लगाई है इलेक्शन प्रोसेस पर, और तब तक पुरानी बॉडी ही काम करेगी। क्या कोई अगली डेट आई है कि अगले चुनाव कब होगा? अगली डेट चुनाव की नहीं है पर हमारी अगली जो हेयरिंग की डेट है वो 14 अप्रैल है। तो फरीदाबाद बार एसोसिएशन के जो चुनाव थे फिलहाल के लिए उसके परिणामों पर रोक लगा दिया गया है और जो पुरानी जो कमेटी थी फिलहाल वही बार एसोसिएशन को देख रही है। कैमरन अनिल के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़ फरीदाबाद।